Assalamu alaikum. Today is our lecture 12. So first of all, we will recap our lecture 11. So lecture 11 में हमने क्या चीजें पढ़ी थीं? We studied about accounting equation, which is very important part. Accounting equation क्या थी? कौन बताएगा? Accounting equation is assets is equal to capital plus liabilities. Yeah. तो आपने कोई लेक्चर 11 अपना रिवाइज किया है? डेफिनेटली किया होगा. इंटरेस्टिंग लेक्चर था. तो मैं अब आपसे थोड़ा उससे क्वेश्चन आंसर करता हूँ उसके बारे में. दिस इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है. तो कौन मुझे बताएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि आप क्या जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज इक्वल होती है या डिफरेंट भी हो सकती है? जैसे इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्या बताएंगे आप? दिस विल ऑलवेज बी इक्वल. गुड. दिस विल ऑलवेज बी इक्वल नो मैटर हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर एंटर इनटू. ठीक है ना? ये हमेशा इक्वल होगी. अगर एसेट्स फॉर एग्जाम्पल 100 है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो 100 के बराबर होगा. आपके एसेट्स यहाँ पे 100 है, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. वट एवर 50-50 हो, 70-30 हो, 60-40 हो, जो भी हो, 80-20 हो, लेकिन अगर एसेट्स 100 हैं, इक्वेशन की दूसरी साइड पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का टोटल भी 100 होगा. अदरवाइज कहीं मिस्टेक है. The actual assets, capital and liabilities may change, but the equality of assets with that of the total of capital and liabilities will always hold true. Will always hold true का मतलब है will always equal. Clear? So, being a student, BBA or MBA, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है accounting equation क्या है and how or why accounting equations are considered always equal. तो आपने इसका आंसर करना है. हमने कुछ लास्ट लेक्चर में टी अकाउंट के बारे में पढ़ा था. सो हु विल टेल मी द सेकेंड नेम ऑफ टी अकाउंट? आप बताएं जी. आप सेकेंड नेम ऑफ टी अकाउंट क्या है? आपने रिविजन की होगी लेक्चर 11 की. डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा टी अकाउंट. वाई विश से टी? बिकॉज ऑफ शेप. शक्ल उसकी ऐसी है, ये टी. लेकिन टी अकाउंट का सेकंड नेम क्या है? आप वेरी गुड. लेजर्स. गुड. लेजर अकाउंट कहते हैं ना कि लेजर्स में एंटर करते हैं या टी अकाउंट में एंटर करते हैं. सो इट्स द सेम थिंग. अ टाइटल इज प्लेस अबव द अकाउंट एंड द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर एंटर ऑन द लेफ्ट राइट साइड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करके दिखाया था टी अकाउंट्स क्या होते हैं. बाय द वे, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डबल एंट्री? डबल एंट्री अकाउंटिंग है, इसका सेकंड नेम क्या है? डबल एंट्री अकाउंटिंग का सेकंड नेम क्या है? जर्नल. गुड. जर्नल. जर्नल जर्नल वर्ड यूज हो या डबल एंट्री हो, इज द सेम थिंग, सेम मीनिंग. सो प्लीज रिमेंबर दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट both in for financial decision making or for financial accounting and even management accounting. Double entry, journal is the same word, same meaning. T count and ledgers is the same meaning. Understand? ये diagram आपके सामने है. Assets, liabilities and capitals. किस जब record होते हैं तो क्या चीज up and down होती है? एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं. एसेट जब डिक्रीज होते हैं क्रेडिट होते हैं. लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है क्रेडिट. लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं डेबिट. कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट. कैपिटल डिक्रीज होता है जब हम ड्राइंग्स करते हैं डेबिट. क्या आपने होमवर्क में ये ड्रॉ किए थे? मैंने आपको होमवर्क भी दिया है बाय द वे. अभी हम उस तरफ जा रहे हैं. तो किस किसने होमवर्क किया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि वो क्वेश्चन आपने किस किसने किया. हाथ खड़ा करें जिस किसने.
जिसने क्वेश्चन किया है, इवन ट्राई किए घर में, ये सब अकाउंट्स जो देख रहे हैं आप, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल उसमें थे, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट आपने टी अकाउंट ड्रॉ किए थे, डेबिट क्रेडिट गुड। देखते हैं आपने क्वेश्चन कैसे किया, ये आपका होमवर्क था। यहां से हमारा लेक्चर 12 स्टार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑन 1 मई 1907 बशीर स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड 5,000 इनटू अ बैंक अकाउंट। सेकंड, ऑन 3 मई 1907 बशीर बाइज अ बिल्डिंग फॉर ₹3,000। थर्ड, ऑन 6 मई 1907 बशीर बाइज सम गुड्स फॉर ₹500 फ्रॉम दाऊ टू पे लेटर। ऑन 10 मई 1907 गुड्स विच हैड कॉस्ट ₹100 वर सोल्ड टू जुनेद द मनी टू बी पेड लेटर। फिफ्थ, ऑन 13 मई 1907 गुड्स विच हैड कॉस्ट ₹50 वर सोल्ड टू दानिश, ही पेड इमीडिएटली बाय चेक। एंड लास्ट एंट्री नंबर 6, ऑन 15 मई 1907 बशीर पेज अ चेक फॉर ₹200 टू दाऊद इन पार्ट ऑफ पेमेंट फॉर ऑफ द अमाउंट ओइंग। सिक्स बिजनेस ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपको बताई है। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर जर्नल और डबल एंट्री, प्रिपेयर टी अकाउंट लेजर्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ओन नेम इज गुड बैलेंस शीट। तो किसने किया होमवर्क, आपने भी किया है, हाथ खड़ा करने जिसने होमवर्क किया है, प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव डन योर होमवर्क। ओके गुड, अब हम आते हैं, मैं इसके टी काउंट एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या था, ऑन 1 मई 1907 बशीर स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड ₹5,000 टू अ बैंक। क्या डबल एंट्री होगी इसकी, डबल एंट्री बताएं इसकी। जी डबल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट, बशीर स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड 5,000 टू अ बैंक अकाउंट। डेबिट क्या होगा, गुड, आपके पास क्या आया बिजनेस के पास, कैश, कैश। एंड क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, वेरी गुड। किस अमाउंट से होगा, बिजनेस 5,000 से, 5,000। ये आप क्या कह रहे हैं, डबल एंट्री, ये आपने डबल एंट्री की है, ठीक है। ऊपर आप इसको अगर प्रॉपर करना चाहें, यू कैन राइट हेयर रुपीस, ये आपने डबल एंट्री की है, नंबर वन डबल एंट्री। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका लेजर्स बनाएं, क्या बनाएं, टी अकाउंट। तो कितने टी अकाउंट आप बनाएंगे, 2, गुड। कैसे, ये आपने टी अकाउंट बनाया है, ये टी अकाउंट कैश कैश एंड कैपिटल, क्योंकि आप हर जब भी आप डबल एंट्री करेंगे 2 टी अकाउंट बनाएंगे, अगर वो टी अकाउंट पहले खुला हुआ है फिर नहीं बनाएंगे, उसी में एंट्री करेंगे कैपिटल, ठीक, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट क्रेडिट राइट। कैसे एंट्री करेंगे आप यहां से पोस्ट कर रहे हैं चीजें, क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफर कर रहे हैं जर्नल से
डबल एंट्री से लेजर्स पे, ये आपका जर्नल है, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल और दिस इज योर टू लेजर्स। कैसे आप पोस्टिंग करेंगे? कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? कैपिटल, गुड। इसका मतलब आपने कुछ किया हुआ होमवर्क, गुड। कैपिटल किस अमाउंट से? 5000, गुड। और कैपिटल में कहाँ जाएंगे आप? क्रेडिट साइड पे, और क्या लिखेंगे? कैश, राइट, कैश। क्या अमाउंट है? 5000। सो दिस इज योर डन, यू डन डबल एंट्री, यू डन लेजर्स, राइट। अब आपसे मैं कहूं हमें क्या बनाना है इसकी? बैलेंस शीट। ये आपका जर्नल था, दिस इज योर जर्नल, ये आपका जर्नल था और ये आपके लेजर्स थे, टी अकाउंट लेजर्स, ठीक है। आपने जर्नल भी बनाया फर्स्ट एंट्री का, लेजर्स भी। अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ओल्ड नेम इज बैलेंस शीट, ठीक, ओल्ड नेम इज बैलेंस शीट। हम इसको हॉरिजॉन्टल स्टाइल से बना लेते हैं, राइट। यहां पे आ गए एसेट्स, एसेट्स यहां पे आ गए, एसेट्स क्या है आपके पास यहां पे? कैश, कैश कितना है? कैश एट बैंक या कैश जो भी आप लिखें यहां पे, कैश आ गया आपका 5000। यहां पे आ गई आपकी आती है लाइबिलिटीज, क्या आती है? लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में, वन साइड इज एसेट्स, वन इज लाइबिलिटी, ठीक है। और लाइबिलिटी में आपके पास क्या है? कैपिटल जो एसेट और लाइबिलिटी, कैपिटल जो लाइबिलिटी, गुड गुड गुड, इम्प्रेस। कैपिटल किस अमाउंट से आ गया? 5000। अब आप ये बताएं मुझे कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, 5000 5000, यहाँ पे भी 5000, यहाँ पे 5000। सो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसे ही है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट कितना आपका यहाँ पे? 5000, ये लिखें यहाँ पे, ये आ गया आपका एसेट 5000 इज इक्वल टू कैपिटल कितना आपका? 5000, गुड। लाइबिलिटीज कितनी आपकी? जीरो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होगी, यस और नो? यस, गुड। तो आपने देखा कि हमने डबल एंट्री की, फर्स्ट हमने जर्नल एंटर किया, देन वी एंटर लेजर्स एंड देन वी मेक अ, देन वी मेड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमने एंड पे बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट इक्वल है, इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होगी। किससे? जस्ट फर्स्ट एंट्री जो आपने की थी, ये ऑन 1 मई 1907 बशीर स्टार्ट इन बिजनेस एंड डिपॉजिट 5000 टू अ बैंक अकाउंट, राइट। अब आप इसी से आप हम प्रूफ करते हैं सेकंड एंट्री को, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री क्या है? आए हम सेकंड एंट्री देखते हैं। ऑन 3 मई 1907 बशीर बायज अ बिल्डिंग फॉर ₹300, बशीर बायज अ बिल्डिंग। तो एंट्री क्या होगी हमारी? सेकंड जर्नल क्या होगा हमारा? एंट्री क्या होगी हमारी सेकंड एंट्री? यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड एंट्री, बशीर बायज अ बिल्डिंग, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्या है हमारा? बिल्डिंग हमने बाई की है, बिल्डिंग बाई की है किस पे की है? कैश पे की है, ऐसे ही है। तो डेबिट क्या होगा हमारा? बिल्डिंग, गुड। बिल्डिंग हो गया हमारा डेबिट, और क्रेडिट क्या हो गया? कैश, वेरी गुड। हमने कैश पे की है, कितने में की है? 300 पे, 3000 सॉरी, 3000 पे हमने बिल्डिंग बाई की है, 3000। बिल्डिंग अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा, यस। बिल्डिंग का लेजर अकाउंट खोल दें आप यहाँ पे,
बिल्डिंग लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखें बिल्डिंग, बिल्डिंग टी काउंट, राइट। आप टी काउंट खोल दिया आपने, ये कैश का नहीं, कैश का ऑलरेडी खुला हुआ है, कैश का लेजर खुला हुआ है ना ऑलरेडी, गुड। तो बिल्डिंग में डेबिट क्या लिखेंगे आप डेबिट साइड पे, कैश किस अमाउंट से 3000, कैश में क्या लिखेंगे, कैश क्रेडिट साइड पे क्या खरीदा हमने, मनी आउट हुई है बिल्डिंग, आपको समझ आ रही है, बिल्डिंग 3000। हमारी सेकंड एंट्री थी कि कंपनी ने बाय की है बिल्डिंग, सॉरी बशीर ने ऑन 3rd May 1997 बशीर बायज अ बिल्डिंग फॉर ₹3000। तो हमने इसकी एंट्री की पहले, फर्स्ट वी डिड जर्नल, दिस इज अवर जर्नल, जर्नल एंट्री थी है बिल्डिंग एंड कैश, डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कैश, राइट। एंड लेजर्स आपने ये लेजर्स में देखा, कैश का लेजर ऑलरेडी खुला ओपन था तो उसी में एंट्री करनी है, और बिल्डिंग का न्यू हो गया। अब हम देखेंगे हमने क्या किया, हमने जर्नल भी किया और लेजर भी किया। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, क्यों भाई अकाउंटिंग इक्वेशन किसने किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, गुड। एसेट्स, एसेट्स ये एसेट्स हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब हमारे पास एसेट्स कितने हैं, एसेट्स बताए ना आप कितने हैं जी, एसेट्स हमारे पास, हाँ एसेट्स हमारे पास हो गए बिल्डिंग और कैश, ठीक है। बिल्डिंग कितना है आप देखें, कैश अकाउंट हमारे पास कितना हो गया है, ये आप इसको जब 5000 2000, ठीक है, जब आप इसको कैरी डाउन करेंगे, बैलेंस करेंगे इन इस अकाउंट को, बैलेंस करते होते ना क्लोजिंग के टाइम, ये आ गया 2000, ठीक, और टोटल हो गया 5000, ऐसे ही है। और ये क्लोज किया आपने, लेजर्स क्लोज किए हैं, ठीक, ब्रॉड डाउन कितना हो गया आपका बैलेंस 2000, गुड 2000, ये हो गया ना। आपका कैश बैलेंस कितना है 2000, तो ये जो 5000 हमने लिखा हुआ है, हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारा हमारा कैपिटल है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है हमारी 3000, गुड, प्लस हमारा कैश कितना है 2000, गुड, 3000 प्लस 2000 कितना हो गया, ये 5000, क्लियर। टोटल हमारे पास कैपिटल इतना है, लाइबिलिटी अभी तक हुई है हमारी 9, हमारे एसेट्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, सॉरी ये हमारे एसेट्स थे, ये हमारे एसेट्स हैं, जो ये मैंने बनाया ना बिल्डिंग प्लस कैश, ये हमारे एसेट्स हैं, ये बिल्डिंग प्लस कैश इज आवर एसेट्स, और कैपिटल हमारी 5000, लाइबिलिटी हमारी 0, तो एसेट्स, तो एसेट्स जो है हमारे 5000 ही हैं, लेकिन उसका ब्रेकअप हुआ है, किसका ब्रेकअप हुआ है इन एसेट्स का, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इस एसेट्स का ब्रेकअप किसका हुआ है, बिल्डिंग 3000, बिल्डिंग 3000 और कैश 2000, टोटल हो गया 5000, ऐसे ही है ना। तो कंपनी का टोटल कैश कितना हो गया 5000, ये है, और कैपिटल कितना है कंपनी का, एज प्रीवियस ईयर कैपिटल अकाउंट, ये जो ये टी अकाउंट में ये कैपिटल है, क्लियर। और लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अगेन आपने सेकंड ट्रांजेक्शन आपने की और आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ हो गई है, क्यों भाई सबको क्लियर है। अब मुझे थर्ड करके आप बताएं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ करने आती है। थर्ड ट्रांजेक्शन आप जल्दी से खुद करें और मैं आपको बताता हूँ कि आई गिव यू 15 सेकंड्स, मैं आपके साथ साथ कर रहा हूँ, चलें थर्ड ट्रांजेक्शन आप करें और फिर मुझे इम्प्रेस करें कि हाँ जी आपको आता है। क्विकली थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ऑन 6 May 1997 बशीर बाय सम गुड्स फॉर 500 फ्रॉम दाऊद टू पे लेटर, ठीक है, ये जल्दी से करें, मैं फिर आपको बताता हूँ जी। थर्ड ट्रांजेक्शन कौन करेगा, थर्ड ट्रांजेक्शन आप जल्दी से करें, पहले उसका जर्नल बनाएं, गुड। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, जल्दी से बताएं।
व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। फिर आप बेशक टी अकाउंट बना लें, ठीक है। क्या ट्रांजैक्शन है? ऑन 6 May 1997 बशीर बायज सम गुड्स फॉर ₹500 फ्रॉम दाऊद टू पे लेटर। बशीर बाय करता है कुछ गुड्स किससे? दाऊद से, टू पे लेटर, कैश पे नहीं कर रहा, ठीक। क्या होगा? सम गुड्स डेबिट क्या होगा? लेट्स सी, परचेजेस भी आप कर सकते हैं, स्टॉक, गुड्स आपने बाय की, स्टॉक किससे? दाऊद से। कैश दिया आपने? नहीं, कैश नहीं दिया, तो दाऊद आ गया यहाँ पे। दाऊद हमारा क्या है? क्रेडिटर, क्रेडिटर। क्यों? वी आर पेइंग लेटर। क्या अमाउंट है इसकी? 500, गुड, 500, 500, ऐसी है, गुड। अब बताएं इसमें टी अकाउंट बन जाएगा? यस। हाउ मेनी? 2, क्योंकि ये पहले पहले ओपन ही हुए हैं। स्टॉक का बनेगा, स्टॉक एंड दाऊद, 2 टी अकाउंट्स बन जाएंगे, क्लियर। डेबिट क्रेडिट आपको जाना चाहिए कि आप जर्नल बनाते हैं और जर्नल से फिगर्स लेजिस में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या है? ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, डबल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका जर्नल है, दिस इज योर डबल एंट्री, ये ऊपर लिखा हुआ है डबल एंट्री, ये आपकी डबल एंट्री है और ये आपके लेजर्स हैं। क्या है? लेजर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टी अकाउंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द शेप। ओके, स्टॉक में क्या हो गया? डेबिट स्टॉक, यहां पर लिखे दाऊद 500, राइट। दाऊद में जाके दाऊद, क्रेडिट स्टॉक हमने बाय किया से 500, राइट। अब जो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन हुई थी, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाई है ना, SFP बनाई हुई है ना, कैसे? SFP, ये SFP है, यहां पे आ गए एसेट्स, ये आ गई लाइबिलिटीज, ठीक है ना। जो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन हमने की थी उसमें क्या था हमारे यहाँ पे? बिल्डिंग आ गया था, जी हाँ, बिल्डिंग था। बिल्डिंग कितने में थी? 3000, गुड। एंड देन कैश था हमारे पास, कैश भी था हमारे पास। जो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन हुई है ये उसकी SFP बन रही है, ठीक। और हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल क्या था? 5000, ऐसे ही था ना, ये बैलेंस शीट इक्वल है ना, 5000 5000। थर्ड ट्रांजेक्शन आपने किया है, थर्ड ट्रांजेक्शन डेबिट स्टॉक क्रेडिट दाऊद। अब आपकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जी, बताएं। एसेट्स यहां पे आ गया, आपका स्टॉक इज योर एसेट, करंट एसेट, गुड। कितने का स्टॉक आ गया आपका? स्टॉक किस अमाउंट से? 500। आपका कैश गया? नहीं। आपको लाइबिलिटी मिली? यस। क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटीज, ऐसी ना, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, आपके क्रेडिटर्स आ गए लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स में कौन है आपका? दाऊद, आपने ये लिखा दाऊद, किस अमाउंट से? 500। अब ये बताएंगे बैलेंस शीट इक्वल है? यस। 5000 5000, ऐसे ही है, 5000 5000। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होगी, आप ट्रांजेक्शन करते जाएं और अकाउंटिंग इक्वेशन साथ साथ प्रूफ। कैसे प्रूफ होगी अकाउंटिंग इक्वेशन? क्लियर, आपके सामने लिखा हुआ है भाई, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है जी। एसेट्स कितने? ये सारी एसेट साइड से ही है, तो ये एसेट्स हैं आपके, ये फिगर जो है 550, दिस इज योर एसेट्स 5500। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल कितना है? दिस इज योर कैपिटल, गुड, आपको आता है। अब ये कैपिटल फिगर है, ऐसे ही है, कितनी है? 5000 आपका कैपिटल। लाइबिलिटीज कितनी है? कोई लाइबिलिटी है? बिल्कुल है, प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है आपकी? 500, ये 500 है, दिस इज योर 500 है, ठीक है।
500. अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ, यस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. कैसा है? आपके सामने सब चीजें हैं और आप करते जा रहे हैं, राइट और 5500 से आपकी एसेट्स प्रूफ हो गए. गुड, आई थिंक अब आपको प्रैक्टिस हो गई है. कहते हैं तो एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें और करा देता हूं. फोर्थ ट्रांजेक्शन ऑन 10th May 1907, गुड्स विच हैड कॉस्ट रुपीज 100 वर सोल्ड टू जुनेद. द मनी टू पेड टू बी लेटर. हमने सोल्ड की जुनेद को चीजें और पैसे बाद में मिलेंगे, हमारा डेटर बन गया. ठीक, तो कैसे होगा जल्दी बताएं जी, जल्दी से बताएं. गुड, कौन बताएगा? जल्दी से आप करें, मैं आपके साथ करता हूं और आपने काउंटिंग इक्वेशन प्रूफ करनी है. ठीक, आपने पहले डबल एंट्री करें जल्दी से. गुड, अब आप खुद करेंगे. मैंने आपके साथ 3 एंट्रीज की हैं, अब आप खुद करेंगे और मुझे पता आप कर सकते हैं. वेरी गुड, आप प्लीज जल्दी से करें. पहले लेजर डबल एंट्री करें और लेजर्स बनाएं. गुड, जल्दी से बनाएं. क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा वो देखें और फिर लेजर्स बनाएं और फिर इसको यहाँ पे ले आएं. राइट जी, हो गया. किसने किया है मैं चेक कर लूँ आपको, जिसने किया है. गुड, आ जाएं. क्या एंट्री होगी? आपने On 10th May 1907, goods which had cost rupees 100 were sold to Junaid, the money to be paid later. Debit क्या होगा आपका? आपने जुनेद को चीजें सेल की हैं, लेकिन पैसा आया नहीं. जुनेद को आपने लोन डेटर बनाया, अपना क्रेडिट पे चीजें दी हैं, तो डेबिट हो गया आपका. जुनेद ही होगा, ये आपका हो गया डेटर. इन ब्रैकेट लिख सकते हैं आप नीचे जुनेद. ठीक, किस अमाउंट से किया आपने? 100 अमाउंट. ठीक, ये आपकी डबल एंट्री. क्रेडिट क्या होगा? स्टॉक 100. ऐसे ही है, स्टॉक अकाउंट भी पहले बना हुआ था, हमने बनाया था स्टॉक अकाउंट, और यहां पे आपको सिर्फ आप डेटर्स अकाउंट बनाना है. डेटर्स डेबिट साइड पे, ये डेटर्स हैं. स्टॉक लिखा आपने 100. आप बैलेंस शीट पे जरा आए. ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है. ये आपकी क्या चीज रिड्यूस हुई है, क्या चीज कम हुआ है? स्टॉक कम हुआ ना आपका, स्टॉक कम क्या हो गया? ये स्टॉक की फिगर डाउन होगी कितने अमाउंट से? 100 से. तो आप इसको कर देंगे 400. ऐसे ही है, आपकी क्या चीज इंक्रीज हुई है? आपके पास डेटर्स आए. डेटर्स जो एसेट और लाइबिलिटी, एसेट ग्रांट एसेट. गुड. डेटर्स किस अमाउंट से? 100. अब आप देखें क्या अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है. 400 प्लस 500 और 3205 अगेन प्रूफ हो गया कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट है वो अगेन इक्वल आ गई है. ऐसे है, एसेट्स कितने आपके? ये सारे एसेट्स हैं 550 अगेन 5500 प्लस इज इक्वल टू कैपिटल. कितना आपका कैपिटल? उतना ही है. और क्रेडिट्स कितने आपके? लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज भी आपकी उतनी ही है. ठीक, दिस इज योर लाइबिलिटीज. ये आपकी लाइबिलिटी है. एंड और ये कैसा, आपने फोर्थ ट्रांजेक्शन की है, फोर्थ, और वो भी आपने प्रूफ किया है. पहले आपने डबल एंट्री की जर्नल, देन आपने ट्रांसफर किया लेजर्स में, एंड देन एसएफपी आपने बनाई और अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ किया. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्यों भाई, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. ठीक, अब आई थिंक और आगे जाने से बेहतर है कि आप जो आपने
टू ट्रांजेक्शन्स की होंगी, ये ठीक, बाकी टू ट्रांजेक्शन आप खुद कर लेंगे, सब कर लेंगे, हाथ खड़ा करें जो नहीं कर सकते। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल की है, हमने क्या प्रूफ किया, अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमने ये प्रूफ किया। ये फोर ट्रांजेक्शन मैंने आपके साथ किए हैं, फोर में मैंने डबल एंट्री की, डबल एंट्री से ट्रांसफर किया जर्नल में, जर्नल से ट्रांसफर किया एसएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से एसेट प्लस लाइबिलिटी इक्वेशन प्रूफ होती रही। फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सेकंड किया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, थर्ड किया, फोर्थ किया, और अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ किया, ऐसे ही है। तो अब आपका काम है कि आप फिफ्थ और सिक्स खुद करेंगे, ये रिक्वायर्ड जिसे मैंने दिया था, प्रिपेयर जर्नल, डबल एंट्रीज, प्रिपेयर टी अकाउंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस मीन कि ये जो आप कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट, ये चीज आप कर रहे हैं, ये लास्ट चीज जो कर रहे हैं, ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को आप प्रूफ कर रहे हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अगेन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। डन, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आपका होमवर्क था और मैंने आपको गॉन थ्रू हुआ हूँ, सिक्स ट्रांजेक्शन थी, फोर ट्रांजेक्शन हमने इकट्ठे की है, फाइव और सिक्स आप खुद करेंगे। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स, डिफरेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं आप, ठीक, डिफरेंट ट्रांजेक्शन आप प्रोसेस करते हैं, कैश की आपने, रिसीवेबल्स, रेवेन्यूज, वेजेस पेएबल, लेबर एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन होती हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका, लेट्स सी, कैश ट्रांजेक्शन है, ये आपकी ये कैश ट्रांजेक्शन, ठीक, कैश, जब आप कैश ट्रांजेक्शन कब करते हैं, जब कंपनी कैश पे सेल्स करती है, कैश पे परचेजेस करती है। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, रिसीवेबल्स कहते हैं, सेकंड नेम ऑफ रिसीवेबल्स क्या है, डेटर्स, ये हमारे डेटर्स होते हैं। रेवेन्यू मीन सेल्स, ये एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए। वेजेस पेएबल इज आवर लाइबिलिटी, लेबर एक्सपेंसेस इज आवर एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज, सेकेंड नेम इज स्टॉक, इंश्योरेंस एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, वर्ड प्रीपेड ये हमारा एसेट है, हमने एडवांस पेमेंट की है, कौन सी, एडवांस पेमेंट कर दी है, एडवांस पेमेंट, फ्यूचर के मंथ्स की भी पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की है, देयरफॉर इज अवर करंट एसेट है, ये हमारा कौन सा एसेट है, करंट एसेट। कैश, रिसीवेबल्स, डेटर्स, रेवेन्यू, वेजेस पेएबल, लेबर एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसका, कि इसके जब आप टी अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, कैश आया, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, ठीक। रिसीवेबल्स क्या चीज है, रिसीवेबल्स, डेटर्स जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, हमारी सेल्स, रेवेन्यूज, रेवेन्यूज कहते हैं सेल्स हो रही है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, क्रेडिट। एक्सपेंस कोई भी हो, लेबर एक्सपेंस हो या इंश्योरेंस एक्सपेंस हो, हम इसको एक ही कह देते हैं, लेबर और इंश्योरेंस, ठीक है, लेबर एंड इंश्योरेंस। आपने अकाउंट खोला, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, ये डेबिट हो रहे हैं, एक्सपेंस जब पे हो रहता है तो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड स्टॉक, इंपॉर्टेंट स्टॉक, आपके पास स्टॉक आ रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, स्टॉक सेल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड आपका एसेट है, डेबिट हो रहा है, यूज हो गया क्रेडिट। ऐसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डिफरेंट अकाउंट्स हैं और उनका टी अकाउंट कैसे इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। लाइक लास्ट में आपको यहाँ पे बता दूँ, इम्पोर्टेंट एक और है, लेट्स सी, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ी जगह है, कैपिटल, कैपिटल जी कौन बताएगा, आप बताएं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा क्रेडिट, आप बताएं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, गुड, वेरी गुड, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, आपका क्रेडिट होगा, ठीक। आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस पैसा क्रेडिट होगा, गुड, वेरी गुड। तो ये आपको ये चीज आनी चाहिए, इस तरह प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कैसे करते हैं, क्लियर, गुड, इंप्रेस, इसका मतलब है आपको चीजें आ रही हैं। डबल एंट्री मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीनरी एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। अब आप ये बताएं कि मशीनरी अकाउंट है, इसकी क्या आप मशीनरी है, उसमें आपने मशीनरी अकाउंट ओपन करना है, ठीक। ये मशीनरी अकाउंट है, लेट्स सी, ये मशीनरी अकाउंट है, और सेकंड अकाउंट हमने ओपन किया है कौन सा, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, क्या कहते हैं इसको, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने किया, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक हमने किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक, ये टी अकाउंट्स में बता रहा हूं आपको। मशीनरी आपने बाय की है, मशीनरी आ रही है, मशीनरी के एसेट में इंक्रीज आ रहा है, इजाफा हो रहा है, डेबिट, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं मशीनरी की, क्या ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन, क्या डबल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, हु विल टेल मी, जल्दी, मशीनरी अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, शाबाश, जल्दी से बताएं, यस, कौन बताएगा, डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या करेंगे आप, यस, जल्दी से, गुड, आपने डेप्रिसिएशन लिया, आपका हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट यहां पे, एंड अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, गुड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपकी डेप्रिसिएशन, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट आप बना लेते हैं, थ्री अकाउंट्स, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया, एंड देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक, बिल्डिंग आ रही है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग राइट हो गया, इंक्रीज, बिल्डिंग डिस्पोजल ऑफ हो रही है, डिक्रीज, आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे डबल डेप्रिसिएशन की, यस, अभी जो आपने मशीनरी में की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे है, गुड, वेरी गुड। तो ये आपको जस्ट मैंने एक आइडिया दिया कि फिक्स एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स में कैसे फिक्स एसेट अकाउंट ओपन करते हैं, टी अकाउंट, उसकी डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे होता है, एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट कैसे होता है, ये डबल एंट्री में था। ओके, आई थिंक दिस इज, आपको डबल एंट्री अच्छी आ जानी चाहिए, क्लियर। अब आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने डबल एंट्री को बड़े डेप्थ से देखा है, डबल एंट्री को टी अकाउंट, लेजर्स, ट्रांसफर डबल एंट्री टू लेजर्स, लेजर्स से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ किया है। अब आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज, इट्स पर्पज इज टू कन्वे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म,
क्या पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब इंफॉर्मेशन फिगर्स में होती हैं, फाइनेंशियल। आगे जाके हम मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे आपसे मैं कहता हूँ, मुझे आप किस कंपनी में काम करते हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बताएं। कंपनीज इशू करती हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्या इशू करती हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक पूरी बुकलेट होती है, फर्स्ट कंपनी का एक पेज होता है जिसके ऊपर कंपनी की पिक्चर और कंपनी के बारे में स्मॉल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स दी होती हैं। नेक्स्ट कंपनी का चेयरमैन की एक कंपनी के चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट होती है विद पिक्चर, समटाइम विदाउट पिक्चर। कंपनी के एमडी की स्टेटमेंट होती है, ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर की स्टेटमेंट होती है। देन उसके आगे अकाउंटिंग डाटा दिया होता है जिसमें आप आईएएस कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, देन नोट्स। तो इस सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, कन्वे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के बारे में बताना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बिजनेस कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉसेज में जा रहे हैं, हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इट मे शो अ पोजिशन एट अ मोमेंट इन टाइम एज इन द केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, और मे रिवील अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज इन द केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऐसा क्या है, बैलेंस शीट, ओल्ड नेम, न्यू नेम इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेज पे आके आपको स्नैपशॉट देता है, एक पिक्चर बताता है किसी कंपनी के बारे में, वो किस शक्ल में होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की, बैलेंस शीट किस शेप में होती है। एक दूसरी स्नैपशॉट है, दूसरी उसकी एक तस्वीर है, दूसरी उसकी एक प्रोडक्ट है, एक आउटपुट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो है इनकम स्टेटमेंट जिसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। आपके जहन में होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनकम स्टेटमेंट क्या है, जो कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का क्या मतलब है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है आईएएस में आपको पता है सेल्स किस तरह है, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह है, हमारी परचेजेस कैसी हैं, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्सपेंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन हैं, वेजेस एंड सैलरीज हैं, प्रोविजंस हैं। सो ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज शोज इन आईएएस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। It may show a financial position at one time and it may reveal a series of activities over a given period of time as in the case of income statement. The majority of firms include extensive financial report statements in their annual reports which receive wide distribution. The majority of firms include extensive financial statements in the annual reports. Annual reports jo aati hai बड़ी डिटेल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होती हैं, विच रिसीव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज मीन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली आप अगर आप जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपके इन्वेस्टर्स की नजर है, आपके शेयर होल्डर की नजर है, जो आपके जिनके पास शेयर्स हैं और जो खरीदना चाह रहे हैं शेयर, उनकी नजर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है, आपकी गवर्नमेंट के उसके ऊपर नजर है, आपके सप्लायर्स उसको देख रहे हैं, डिफरेंट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। The proper preparation and use of financial statements requires the financial manager to define and distinguish among certain items. The proper preparation and use of financial statements requires the financial managers to define and distinguish among certain terms. जो financial managers हैं, जब financial statements बनाते हैं तो उन्हें कुछ terms define करनी और उनमें distinguish करना जरूरी है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं आपके डिफरेंट यूजर्स हैं, श्योर डिफरेंट यूजर्स हैं, हर यूजर का बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक यू हैव डन एमबीए, यू आर डूइंग एमबीए, कल को आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, बीइंग हैविंग एमबीए डिग्री, आपने एमबीए में फाइनेंस को टच किया हुआ है, सो आप फिर पढ़ लेंगे। लेकिन लेट्स सी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पायलट है, एक साइंटिस्ट है, एक लेमैन है, पॉलिटिशियन है, उसको नहीं पता फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का। सो
फाइनेंशियल मैनेजर टू डिफाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग सर्टेन टर्म्स, थोड़ा सा ऐसे उनको डिफाइन करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ टर्म्स होती हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका अकाउंटिंग या फाइनेंस का बैकग्राउंड उसको पढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये अच्छी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस टर्मिनोलॉजी है. फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या चीज है? फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल कौन बताएगा? आपने वर्ड सुना होगा फंड्स एंड वर्किंग कैपिटल, सर उसको बताए ना मुझे कि फंड्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है. ओके गुड, थोड़ा सा आइडिया है आपको उसका मतलब. इसमें सम टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है जब कोई वर्ड यूज करता है फंड्स, सो आप पूछना पड़ता है फंड्स, आप फंड्स को क्या ले रहे हैं? हम इसको फंड्स को इस तरह लेते हैं, हमारे फंड्स इसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल क्या है, फंड्स क्या है, वो देखते हैं. द टर्म फंड्स इज कॉमनली यूज विद अ नंबर ऑफ मीनिंग्स रेंजिंग फ्रॉम द ब्रॉड टू द वेरी रिस्ट्रिक्टेड. द टर्म फंड इज कॉमनली यूज विद अ नंबर ऑफ मीनिंग्स रेंजिंग फ्रॉम द ब्रॉड टू द वेरी रिस्ट्रिक्टेड. Some managers use the term funds to refer to all financial sources held by a firm. In this uses all the firm's assets, both fixed and current, would be forms of funds. Some usko broad lete hain, some very restricted lete hain. Ab some managers ko lete hain all financial sources held by firm, all financial sources held by the organization, held by the firm. Jab koi managers ya directors ko is tarah lete hain, इसका मतलब है कंपनी के सब एसेट्स और सब लाइबिलिटीज, ऑल फिक्स एसेट्स एंड बोथ फिक्स एंड करंट एसेट्स, सॉरी नॉट लाइबिलिटी, फिक्स एंड करंट एसेट्स, इसको फंड्स कहते हैं. लेकिन जरूरी नहीं हर मैनेजर को इसी तरह ले. अगर कोई ले रहा है ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, उसमें फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स आ जाते हैं. अ मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन लिमिट्स फंड्स टू करंट एसेट्स, दोज एसेट्स यूजली कन्वर्टेड into cash within next 12 months. With this definition, funds would include cash, marketable securities, debtors and stock. Some managers ko specific lete hain aur sirf current assets ko wo funds kehte hain. Jinme kya hota hai, current assets kaun se hote hain, jo within a 12 months convert into cash, jinko hum easily convert kar sakte hain cash ko mein. Usme kya hota hai, cash itself, marketable securities ho and debtors and stock. अब डिपेंड करता है आप कुछ आपके सामने कोई मैनेजर फंड्स का वर्ड यूज करता है, आपसे पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी ये फंड्स जो आप यूज कर रहे हैं वर्ड, आप उसको किस तरह ले रहे हैं? ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ले रहे हैं जो हमने प्रीवियस देखा. ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है फिक्स एंड करंट एसेट बोथ. समटाइम फंड मैनेजर्स या फाइनेंस डायरेक्टर्स सिर्फ करंट एसेट्स को फंड्स कहते हैं. ओके, फिक्स एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट वुड बी ओमिटेड. सो इट डिपेंड्स, जब आप फंड्स का वर्ड यूज करते हैं, यू कैन आस्क आप फंड्स किसको कह रहे हैं? क्या आप फंड्स कह रहे हैं ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसमें फिक्स एसेट्स भी है और करंट भी है, और आप सिर्फ फंड्स उनको कह रहे हैं जो करंट एसेट्स हैं सिर्फ? ओके, अनदर डेफिनेशन आइडेंटिफाइज, फंड्स एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस है, कुछ मैनेजर्स को फंड्स कहते हैं. राइट, द टर्म वर्किंग कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टर्म फंड्स एंड हैज टू कॉमन मीनिंग्स. द टर्म वर्किंग कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टर्म्स फंड्स एंड हैज टू कॉमन मीनिंग्स. टू अवॉइड कंफ्यूजन अराइजिंग फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग इन द यूजेज ऑफ टर्म्स, फाइनेंशियल मैनेजर शुड ऑलवेज क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ अ टर्म. किसी कंफ्यूजन में रहने के बजाय आप फाइनेंशियल मैनेजर्स नॉर्मली पूछ लेते हैं कि आप किसको फंड्स कह रहे हैं. आप वो पहले बताया फंड्स हैं या ऑल रिसोर्सेज ले रहे हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स. सम जस्ट करंट एसेट्स लेते हैं, और थर्ड करंट एसेट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हमारा वर्किंग कैपिटल भी है. ये देखें आप, ठीक, द टर्म वर्किंग कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि वर्किंग कैपिटल क्या है,
तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो फंड्स और वर्किंग कैपिटल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी फंड्स की वर्ड यूज करें, आप पहले क्लियर पूछ लें आप फंड्स किसको कह रहे हैं, कि आप कंपनी के ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कह रहे हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होते हैं, या आप सिर्फ करंट एसेट्स को कह रहे हैं, या आप करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं आप उसको फंड्स कह रहे हैं. सो ये टर्मिनोलॉजीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रीड जब आप करें आपको क्लियर होनी चाहिए. फॉर आवर पर्पजेज वी डिफाइन दीज टर्म्स प्रिसाइसली. कैश, कैश का क्या मतलब है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में वेरी क्लियरली कैश लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना. क्या मतलब है कैश का? कैश का मतलब है वी मीन करेंसी, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक और मनी हेल्ड इन हाईली लिक्विड मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स. वी विल यूज द टर्म कैश. कैश सिर्फ उसी चीज को कह सकते हैं, या तो आपके पास करेंसी है या आपने कहीं डिपॉजिट किया हुआ है और आपके पास हाईली लिक्विड मनी है इन मार्केट इन्वेस्टमेंट से. द टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट डू नॉट मैच्योर इन द नेक्स्ट वीक और सो. जो टर्म हम यूज करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विल बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है दैट डू नॉट मैच्योर इन द नेक्स्ट वीक और सो. ठीक है, तो ये कैश के बारे में क्लियर हो. कैश किसको कहा जाता है? फंड्स और वर्किंग कैपिटल, दीज टू टर्म्स विल बी यूज सिनोनिमसली टू रेफर अ फर्म्स करंट एसेट्स. नेट वर्किंग कैपिटल, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स विल बी डिफाइंड एज नेट वर्किंग कैपिटल. द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म डेट्स क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज. सो नेट वर्किंग कैपिटल, आपसे पूछे वर्किंग कैपिटल की फिगर बताएं कहां पर है. क्या पूछे? वर्किंग कैपिटल की फिगर कहां पर, कहां से आप देखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, बैलेंस शीट से. लेट्स सी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में और मैं आपसे कहता हूं मुझे अपनी कंपनी का वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल की फिगर बताएं, आप कहां से बताएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, न्यू नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, वहां पर कहां पर है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो फिगर आई है वो आपका क्या होगा? वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल. द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स विल बी डिफाइंड एज नेट वर्किंग कैपिटल. दिस रिफ्लेक्ट्स एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ अ फर्म्स लिक्विडिटी, इज द एक्सेस डेटर्स एंड स्टॉक हेल्ड बाय द फर्म अबव द लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. ये जो है कंपनी की लिक्विडिटी शो करती है. अगर आपके करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी शो करें और अमाउंट जो है वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को शो करती है. अगर डेटर्स एंड स्टॉक ज्यादा हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं. इज द एक्सेस डेटर्स एंड स्टॉक हेल्ड बाय द फर्म अबव द लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू कैन गेट फ्रॉम बैलेंस शीट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, योर वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जो अभी हम जिक्र करते आ रहे हैं. अभी हमने प्रीवियसली आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया, टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है, कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, फंड्स किसको कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं. आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और की इंपॉर्टेंस क्या है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज को हम कहते हैं. ठीक है, इसमें ये सब टर्मिनोलॉजीज बताने का पर्पज ये है कि आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आए तो आप जब उसको रीड कर सकें, उस पर इंटरप्रिटेशन कर सकें, उस पर कमेंट्स दे सकें, तो यू मस्ट हैव सम नॉलेज, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म्स यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यू मस्ट बी वेरी क्लियर. ठीक है, आपको पता होगा तो आप उस पर कमेंट्स कर सकेंगे. अगर आपको उसको पता ही नहीं है तो आप उसे कमेंट्स नहीं कर सकते. राइट, अब हम इसमें देखते हैं कि आपकी आपको वर्किंग कैपिटल फंड्स का क्लियर हो गया है.
आपसे पूछा जाए फंड्स क्या होते हैं, जी आप बताएं कि फंड्स के बारे में पूछा जाए, फंड्स किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे फंड्स क्या है? मैं आपसे कहूँ मुझे अपनी कंपनी के फंड्स के बारे में बताएं, तो आप क्या बताएंगे? या मैं आपको बताता हूँ मेरी कंपनी के फंड्स 10 मिलियन है, तो आप क्या उससे क्या मीनिंग लेंगे, क्या इंप्रेशन लेंगे, क्या आपको समझ आएगा कि मेरे 10 मिलियन के फंड्स कौन से हैं? गुड, वेरी गुड, इसका मतलब आपने लेक्चर अच्छी तरह सुना है, ध्यान से सुना है जी। फंड्स का मतलब है यू विल फर्स्ट आस्क में कि आप फंड्स की क्या डेफिनेशन करते हैं, क्या आप ब्रॉडन करते हैं या रिस्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कुछ कंपनी यूज करती हैं फंड्स को फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, वेरी गुड आई एम इम्प्रेस्ड, और कुछ कंपनी क्या कहती है जस्ट करंट एसेट्स को फंड्स कहती हैं। बट सम कंपनीज ऐसी हैं नंबर थर्ड पे जो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो वर्किंग कैपिटल आता है उसको फंड्स कहती हैं, वेरी गुड। तो ये चीज़ इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। और जब मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल बताएं कंपनी का वर्किंग कैपिटल, तो आप क्या बताएंगे? लेट्स मैं आपसे कहता हूँ मुझे ओके वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वेरी गुड। अब थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2012 और 13। ठीक, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आप बताएं प्लीज इनकम स्टेटमेंट का ओल्ड नेम क्या है? यू गुड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड न्यू नेम इज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड सेल्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड सेल्स, कौन बताएगा? आप बताएं रेवेन्यू और सेल्स में क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस, गुड, रेवेन्यू सेल्स एक चीज है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल्स एंड डेटर्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल्स एंड डेटर्स, नो डिफरेंस, गुड, नो डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक, नो डिफरेंस। ये टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूज होती हैं। आई थिंक अमेरिकन यूज करते हैं इन्वेंट्रीज, ब्रिटिश यूज करते हैं स्टॉक्स, अमेरिकन यूज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, ब्रिटिश यूज करते हैं डेटर्स, अमेरिकन यूज करते हैं अकाउंट्स पेबल और ब्रिटिश यूज करते हैं क्रेडिटर्स। ओके, सो द थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन SFP, ओल्ड नेम इज बैलेंस शीट, ओल्ड नेम इज बैलेंस शीट, एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो जब भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करती है अपनी, ये थ्री मस्ट हैं। इसके बाद नंबर फोर नोट्स में भी आ सकते हैं, नोट्स में कुछ चीजें स्टार होती हैं इनकम में या बैलेंस शीट में स्टार लगा होता है, उसका मतलब है आप इसकी डिटेल जो है वो कहाँ पे देख लें, नोट्स में। क्लियर, तो ये हमने अभी डिस्कस की हैं सारी चीज़ें। आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की क्यों इम्पोर्टेंस है, इसको रीड करना आपको आता हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसको आपको रीड करना आता हो, इनकम स्टेटमेंट को रीड करना आता हो। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर 13 में इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, किसी एक से इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ये इनके हेड्स क्या हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सही डाटा मिलता है और आप उस पर कोई कमेंट्स करते हैं तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्योर इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल है, नंबर्स हैं। तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमांड हो। इनकम स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो, उस पर कमेंट्स कर सकते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी कर सकते हो, आप समझते हो। इसी तरह बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है, आपको उसको कमेंट्स करना, उसका एनालिसिस करना, आप जब तक उसको समझेंगे नहीं उसका एनालिसिस नहीं कर सकते।
ठीक है, आप पहले चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी मीनिंग को, उसकी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, तो आप फिर उसका उस पर एनालिसिस अच्छा कर सकेंगे। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और इसमें कंपनी के सिर्फ कैश का जिक्र होता है, और वो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में नहीं है, इवन आईएएस में नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे जब हम इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को भी डिस्कस करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताएं ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताऊंगा भी जो कैश फ्लो में है लेकिन आपको बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में और इनकम स्टेटमेंट में नहीं मिलती। क्लियर? सो अगेन माई लास्ट वर्ड अगेन एडवाइस एज आई ऑलवेज गिव यू अबाउट द रिवीजन, आप लेक्चर 12 को अच्छी तरह रिवाइज करके आए और ताकि लेक्चर 13 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, खुद पहले सेल्फ रीड करें, डिक्शनरी यूज करें, सेल्फ रीड करें, और उसके बाद डिस्कशन करें, अपने कुलीग के साथ डिस्कस करें चीजें, आपस में क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करें, आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा, उन्हें भी फायदा होगा, आपस में नॉलेज शेयरिंग करें, नॉलेज शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ये समझता है कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा बुक से, किसी से शेयर नहीं करूंगा और नंबर लूंगा, एग्जाम में टॉप करूंगा, अच्छी पोजीशन, नहीं, ये बिजनेस स्टडीज है, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी फील्ड हो, नॉलेज ऑलवेज आप शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर 12 को टाइमली रिवाइज भी करेंगे, इस पे आपस में डिस्कशन भी करेंगे, और लेक्चर 13 में जब आप आएंगे, आपसे जब मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो आप लाइक दिस आंसर करेंगे। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।